Welcome in City Public School. Today we will discuss the next topic of class 10 chemistry, chemical reaction and equation. In the first class, we discussed किया था types of reaction के बारे में, जिसमें हमने decomposition, combination reaction पढ़ा था, उसके बाद decomposition reaction पढ़ा था. उस decomposition reaction के तीन type होते हैं, हमने बताया था, और वही तीन type आज यहाँ पे हम discuss करेंगे. पहला है decomposition reaction का पहला type है thermal decomposition reaction. It has three types. First क्या है? Thermal decomposition reaction. क्या होता है ये? Reaction taking place in presence of heat. Heat की presence में जब reaction हो और वो decompose हो जाए तो उसे कहेंगे thermal decomposition reaction. For example, limestone अगर हम लें, calcium carbonate जिसे limestone भी कहा जाता है, CaCO3, S मतलब solid state में है. जब इसको हम heat करते हैं तो ये decompose होकर दो part में break down हो जाता है. एक ये पार्ट मतलब क्या है? पीक लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो डीकंपोज हो गया, और हीट के प्रेजेंस में हुआ तो क्या हो गया? थर्मल डीकंपोज. क्लियर? तो इसे कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन. सेकेंड है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन. यहाँ से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक में कौन सा पड़ा रहा है. इलेक्ट्रोलिटिक मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी से होता होगा. जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकंपोज हो तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल H2O ने इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोवाइड करें तो डीकंपोज हो गया H2+O2 में, तो क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन. तीसरा है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन. फोटो मतलब की सनलाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है, जो फूड जो है प्लांट्स फूड बनाते हैं आप जानते हैं, वही फोटो वहीं से आया है. फोटो मतलब सनलाइट. जब सनलाइट की प्रेजेंस में डीकंपोज हो तो क्या हो जाएगा? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल AgCl में सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Ag+Cl2 में. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन. रिएक्शन टेक प्लेस बाय सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में हो गया कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा? ये फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन. तो ये तीन थे टाइप हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन के. नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रिएक्शन है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वो हम पढ़ेंगे. उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. वो डिस्प्लेस कैसे करता है, कौन किसको डिस्प्लेस करता है, उसको जानने के लिए हमें ये टेबल लर्न करना होगा, तभी हम उसको समझ सकते हैं. तो ये टेबल क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज. मेटल्स कैसे रिएक्टिव है, कौन से मोस्ट रिएक्टिव है, कौन से लेस, अब हम इसको समझते हैं. ये जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रहा है, सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन, ये सारे जो है लिखे हुए हैं, इनमें जो ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है. मतलब कि पूरे मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम. पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? गोल्ड. क्योंकि ये कैसे लिखे गए हैं? रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर है. सबसे ज्यादा फिर उससे कम इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं. तो सबसे ज्यादा है पोटेशियम, सबसे कम है गोल्ड. तो ये ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले क्या करेगा? डिस्प्लेस. मतलब मोस्ट जो है ज्यादा पावरफुल लोग, कम पावरफुल लोग को ही डिस्प्लेस करते हैं ना. कम ताकतवर ज्यादा ताकतवर को तो डिस्प्लेस कर नहीं सकते, हटा नहीं सकते. ज्यादा ताकतवर ही कम ताकतवर को डिस्प्लेस करेंगे. उसी तरीके से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे. जैसे सोडियम है पोटेशियम है, इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको भी कर सकता है, ये इसको भी कर सकता है, लेकिन ये इसको नहीं कर सकते, ये इसको नहीं कर सकते. मतलब कि ऊपर वाले एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट नीचे वाले एलिमेंट अपने ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. तो इनको लर्न करने का एक तरीका हम आपको बता देते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा. तरीका क्या है? के है, एन ए है, तो हमें यहां बोलते जाता हूं, आप देखते जाइए. कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी ही क्यों मिली सिल्वर ऑडी. कैटरीना ने क्या मांगा था? कार मांगा था. कौन सा कार? अल्टो जेन फरारी. तीन तरह की कार मांगी थी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिल्वर ऑडी, इसलिए वो दुखी हो गई. ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर एक स्टोरी बनी है. क्या? कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी ही क्यों मिली सिल्वर ऑडी. क्लियर? ऐसे याद कर लेंगे कि हमें तैयार हो जाएगा टेबल, और टेबल तैयार हो गया डिस्प्लेसमेंट समझना आसान हो जाएगा. तो तब तक ये देखिए, रन करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ. थैंक यू सो मच.